हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बनाने जा रहे हैं भिंडी छोले, जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जल्दी बन जाएगा, कोई भी झंझट नहीं लगेंगे और फूले फूले बनाएंगे हम भटूरे। यहाँ पे आपको क्या करना है, काबुली चना लेना है, उसको रात भर भिगो देना है। फिर सुबह आप एक कुकर लीजिए, उसमें चने डालिए और यहाँ पे चाय पत्ती की एक पोटली डाल दीजिए, लौंग डालिएगा, सिनेमन स्टिक डाल दीजिएगा और अच्छे से इसको कुक कर लीजिएगा, थोड़ा सा नमक डाल करके। फिर लीजिएगा एक कढ़ाई, फिर यहाँ पे जो आपने चने को उबाले हैं उसको आप इस कढ़ाई में डाल दीजिएगा, लेकिन अभी फ्लेम आपको ऑन नहीं करना है। सारे चने को आप एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे डालिएगा आप फ्राई किए हुए आलू। आलू से इसकी जो थिकनेस है, यहाँ पे हम लोग प्याज का और ना टमाटर का कोई भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो थिक आपके छोले पर थिकनेस आपकी आएगी, देखिए कैसे आएगी, यहाँ पे आपको लगाना है एक तड़का। यहाँ पे आपको लगाना है धनिया पाउडर डालना है, फिर डालना है आपको लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा आपको डालना है हल्दी पाउडर और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिला लीजिएगा। और यहाँ पे क्यूमिन पाउडर डाल दिएगा और यहाँ पे आपको डालना अनार डालना और अच्छे से आप लगाइएगा। एक कढ़ाई ले लीजिएगा, पैन ले लीजिएगा, उसमें डालिएगा आप जिंजर और थोड़ा सा आप डालिएगा यहाँ पे खटाई। और फिर यहाँ पे आप को अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिला लेना है। और फिर जो आपने तड़का तैयार करना है, आपको गरम उसमें डालना है, थोड़ा सा आपको हरी मिर्च डालना है, थोड़ी सी आपको इसमें डालना है जिंजर और थोड़ा सा आपको लहसुन डालना है। अच्छे से पहले इन सारी चीज़ों को मिला लीजिएगा और जो तड़का अभी तैयार किया है, जब थोड़ा सा तेल ठंडा हो जाएगा फिर इसके अंदर आपको डालना है कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छे से मिला लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा तेज तेल में इसको डालेंगे तो ये जल जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, और जिसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और रंग भी बहुत ही ख़राब हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को आपको मिलाना है, फ्लेम को अब आप कर लीजिएगा ऑन। ये हमारा दूसरा तड़का भी तैयार हो गया है। अब अच्छे से आप इसको सारे मसालों को एक कोटिंग कर लीजिएगा इसकी, और फिर इसमें आपको डालना है थोड़ा सा पानी। याद रखिएगा कि आपको पानी उतना ही डालना है जितना कि आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप तो उतना पानी डालते हैं जितना, अगर आपको लिक्विडी पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम पानी डालिएगा। हमने वो वाला पानी डाला है जो हमने चने के साथ उबाला था, वो पानी डाल दीजिएगा अच्छे से। अब इसको ढक करके 10 से 15 मिनट पकाइएगा अच्छे से। जब हो जाएगा फिर आपको इसमें डालना है कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ऊपर से आप डालिएगा देसी घी। आपको तड़का लगाना है सरसों के तेल में, और जब आपको गार्निश करना होगा तो आप यहाँ पे देसी घी डालिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, गारंटी लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी आपका छोला बनेगा, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी एफर्ट के आपका ये छोला बन करके तैयार होगा। आप एक बार इस भिंडी छोले को हमारी तरह बना करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा और लोगों को भी बहुत पसंद आएगा जिसको आप खिलाएंगे। अच्छे से इनको मिला लीजिएगा। आपका यहाँ पे जो छोला है वो बन करके भिंडी छोला एकदम तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम उतार रहे हैं भटूरा गर्मा गर्म। ये देखिए भटूरे का देखिए कितना अच्छा है। अब कर लीजिएगा इसकी प्लेटिंग, लीजिएगा आप छोले डालिएगा और डालिएगा भटूरे, प्याज से गार्निश करिएगा और आपका छोला भिंडी वाला छोला आप बन करके तैयार है। खाओ पियो, मज़े करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। धन्यवाद।